हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गर्ल्स फॉर पूजा। और दोस्तों, मैं हूँ पूजा। सो हे दोस्तों, अगर आप लोग भी थोड़ा सा पैसा बचाने वाले हैं, फिर बचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। गाइस, मैंने स्टार्ट किया हुआ है 30 डे 30 डिफरेंट मनी सेविंग चैलेंज। सो अगर आप लोग भी इस चैलेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो 7 डे का ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो और आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लें, जिससे कि आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुँचती रहे और आप लोग डायरेक्टली मनी सेविंग चैलेंज की वीडियो देखते रहें। हे गाइज, आज के टाइम में सैलरी सबको मिलती है, सब कोई काम कर रहा है, बट खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। लोगों की सैलरी से पूरा ही नहीं हो रहा है, चाहे वो बिजनेस हो, कुछ भी, कोई भी एक्स्ट्रा काम हो, कोई भी वर्क हो, कोई भी साइट हो, वहाँ से सबको इनकम हो रही है। लेकिन सब लोग सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो यूथ है, उनको ऐसा लगता है कि अब मैंने बहुत प्रॉब्लम देखी है, मैं क्यों ना अपने ऊपर खर्च करूँ। सैलरी मिलती ही आईफोन ले लेना, या फिर महंगे ब्रांड पे खर्च कर देना, कोई भी ड्रेस वगैरह परचेज कर लेना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। जब तक आपके पास कैश का फ्लो काफ़ी अच्छा रहता है, तब तक तो आप शॉपिंग करते रहेंगे, करते भी आए होंगे, और आपने आगे भी सोचा होगा कि मेरे पास और ज़्यादा इनकम होगी, या फिर मेरी सैलरी जैसे इंक्रीज होगी, मैं ये ब्रांड पे इन्वेस्ट कर दूंगा, या फिर ये ले लूँगी। लेकिन ये सही वे नहीं है। आपको चाहिए कि अपनी सैलरी से उतना ही पैसे आप खर्च करें जितना कि आपको नीडेड हो। आपके अपने रिटायरमेंट के लिए भी सेव करनी चाहिए। रिटायरमेंट का मतलब है, जिन लोगों की गवर्नमेंट जॉब है, चलो उनको गवर्नमेंट पे करेगी, लेकिन आजकल गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हो गए हैं कि आपको बाद में कोई भी पेंशन वगैरह नहीं मिलने वाली है। सो अगर आप 50 प्लस हो जाते हैं, 60 प्लस हो जाते हैं, तो बाद के लिए आपने कितना इन्वेस्ट किया है, या फिर कहाँ से आप उस टाइम पर अपना खर्च चलाएंगे। कुछ लोगों की बात ये होगी, फिर कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है, बाद का किसने देखा है, हम तो अभी जी रहे हैं, क्या पता कल के हम रहें ना रहें। लेकिन बाई चांस 100 में से 90% आप मान लीजिए कि आप हैं, और बाद में आपके पास एक भी पैसा नहीं है, क्योंकि जितना आपने कमाया, जब तक आपके अंदर ताकत थी, तब तक आप पैसे को उड़ाते गए, अपना ड्रीम पूरा करते गए, पास कोई भी ताकत वगैरह नहीं है, कोई भी एनर्जी नहीं है कि आप काम कर लो, अपने लिए कुछ भी कर लो, आप तब आप क्या करोगे। सो उसके लिए आपको अभी से प्लान करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर आज 100 रुपये का कुछ भी मिल रहा है, तो आने वाले मतलब 50 से 60 साल बाद वो 1000 रुपये तक का हो जाएगा। मतलब आपको इतना सोचना है कि अगर इस महीने में मेरी जो मंथली एक्सपेंस है वो आ रही है 50,000 60,000, तो मैं आने वाले महीनों के लिए अपना 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये ज़रूर सेव करूँ एक महीने के लिए। सो कुछ इस तरीके से आपको अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। 10 से 20 लाख रुपये, 25 से 30 लाख रुपये आपके पास होने ही होने चाहिए, और आप अपने पैसों के इस टाइम पे कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हो, जो कि बाद में आपके लिए काम करेगा। वो आपने घर बना करके छोड़ दिया, कमरे बना करके छोड़ दिया, आपने किराए पे दे दिया, रेंट पे दे दिया, डायरेक्टली आप उन पैसों को यूज कर रहे हो, आपका जो बुढ़ापा है, जो रिटायरमेंट है, वो एकदम स्मूथली चलने वाला है, चल रहा है। उसके साथ गाइज, अभी की यूथ जो है, लोगों का क्या है सोचना कि हमारी सैलरी चल रही है, हमें कोई भी नहीं होगा, मैं ये जॉब छोड़ूंगा, वो जॉब पकड़ लूंगा। जी नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं होता, कोई भी ऐसा अनप्लान एक्सीडेंट आपके साथ हो जाता है कि आप उसके लिए तैयार नहीं रहते हैं। सो इसके लिए भी आपको एक इमरजेंसी फंड बना के रखना चाहिए। अगर महीने की इनकम 50,000 रुपये, या फिर आपका खर्च जो है वो 50,000 रुपये है, तो आप 6 महीने का अपने पास जरूर रखें कि मेरा 6 महीने निकल जाएगा, कम से कम 3 लाख रुपये आपके बैंक अकाउंट में, या फिर किसी भी अदर अकाउंट में होने चाहिए, कि बाई चांस हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा दुर्घटना घट जाती है, तो हम 6 महीने आराम से सर्वाइव कर लें, बच्चों की फ़ी वगैरह, EMI लोन वगैरह, या फिर हमारे अदर एक्सपेंस उससे होते रहेंगे 3 लाख में से, क्योंकि हमारा महीने का खर्चा 50,000 रुपये है। और 6 महीने में अगर आपकी बाई चांस जॉब चली जाती है, कुछ भी आपके साथ हो जाता है, तो आप फिर से कोशिश करें जॉब को पाने के लिए, या फिर जो भी सिचुएशन है उससे निकलने के लिए। आप लोग अपने इमरजेंसी फंड के लिए, रिटायरमेंट के लिए ज़रूर सेव करें। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डे 8 मनी सेविंग चैलेंज के बारे में, और यहाँ पर हम 1 वीक में 100 रुपीज़ सेव करने वाले हैं, और हम 1 डे को टारगेट करेंगे। सो मैंने आज का फ्राइडे टारगेट किया है कि फ्राइडे को मैं 100 रुपीज़ सेव करूँगी, और इस साल 2024 में 52 फ्राइडे आ रहे हैं, मतलब 52 आ रहे हैं फ्राइडे हमारे। सो हम 5200 रुपये बचाने वाले हैं सिर्फ चैलेंजेस से। उसके बाद हम इसमें 5500 6000 7000 भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें नोट डाउन करना है, कैसे ड्रॉ करना है, कैसे हमें इन पैसों को ऐड करना है, साथ ही साथ हमें कैसे समझना है कि हम आगे इसमें कितना प्लस कर पाए। Hey guys, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके रख लिया है। डे 8 30 मनी सेविंग चैलेंज फ्राइडे सेविंग चैलेंज है ये, 52 फ्राइडे इन 2024 में पड़ने वाला है।
कुछ इस तरीके से 200 रुपीज़ मैंने रख लिया है, जिससे कि मैं आपको समझाने वाली हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है, ये नंबरिंग है, ये है कितने फ्राइडे हमारे पढ़ने वाले। जैसे पहला 5 जनवरी को हो गया, दूसरा 12 जनवरी को हो गया, और तीसरा आज है 19 जनवरी, सो आज के दिन है। उसके बाद देख सकते हो आप आगे, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, ऐसे 22, 36, 50, उसके साथ गाइज यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है इसको 52 तक। जो लास्ट हमारा फ्राइडे पढ़ने वाला है वो 27 दिसंबर 2024 को पढ़ने वाला है, और एक जो इसमें नंबर है यानी कि एक फ्राइडे इक्वल टू 100 रुपीज़ है, 52 का हम 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5200 आएगा, यानी कि 5200 रुपीज़ प्लस इसमें 300 रुपये और हम बचाने की कोशिश करेंगे, 5500 रुपये हम कोशिश करेंगे सेव करने की। सो चलिए समझते हैं कैसे हमें इसमें ऐड करना है। जैसे कि मैंने पहला, दूसरा और तीसरे तक मैंने सेव कर लिया है इसको, ठीक है। उसके बाद बचा मेरा चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपने अभी स्टार्ट किया है आज से, तो पहले अगर आपने 5 को किया, ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पर 100 रुपीज़ डाल देंगे। आप इसमें 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़ भी प्लस कर सकते हो। दूसरा हमने किया, यहाँ पर भी हम 100 रुपीज़ ऐड कर देंगे। तीसरा हमने किया, यहाँ पर भी हम 100 रुपीज़ कर देंगे, या फिर हम यहाँ पर 150, 160 रुपीज़ ऐड कर देंगे। फोर्थ पे भी हमने 150 कर दिया, इसमें फाइव में भी मैंने 120 कर दिया, सिक्स में भी मैंने 120 कर दिया, या फिर 150 कर दिया। 200 है 200 कर दूंगी मैं, इसमें मैंने 150 कर दिया, इसमें 100 है 100 ही कर दिया मैंने। अगेन मैंने यहाँ पर जो 9 वाला आया 1 मार्च को, यहाँ पर भी मैंने 150 कर दिया। आपको टोटल तो करना है, देखो अगर आप 9 तक कर रहे हो तो 900 रुपये आपके पास होने चाहिए, लेकिन 50, 20, 30 जो आपने एक्स्ट्रा या फिर 10 रुपये जो एक्स्ट्रा बचाए हैं उसको आप काउंट ना करें कि मैंने इसमें इतना पैसा डाला है, सिर्फ आपको 900 रुपये ही लिखने हैं। तो आपने लिख दिया कि जनवरी, जैसे कि ये है जैन मंथ में हमारा पड़ रहा है यहाँ पर 4, 1, 2, 3, 4, 4 हमारा यहाँ पर फ्राइडे पड़ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जैन का जो फ्राइडे है वो हमने वहाँ पर बचाया है 400 रुपीज़, लेकिन असलियत में हमने वहाँ पर 600 रुपये बचा लिए हैं, 20 रुपये, 50 रुपये एक्स्ट्रा डाल करके। होपफुली आपको समझ में आए। साथ ही ऐसे आप लोग फरवरी की भी कर सकते हो कि फरवरी में हमारा आने वाला है 4 फ्राइडे, ठीक है, 1, 2, 3, 4 हमारा फरवरी में भी आने वाला है 4 फ्राइडे, सो इसमें भी हमें 400 रुपीज़ बचाए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कोशिश की है 700 बचाने की, 300 प्लस करके, मतलब 150, 150 करके मैंने ऐड कर दिया, या फिर किसी में 200, किसी में 160, किसी में 180, जितना मेरे पास था उतना मैंने ऐड कर दिया। लेकिन आपका जो ये 300 और जो इधर से 200 है, इन दोनों को आपको ऐड नहीं करना है। ये में आपने 400, 400 रुपये ही बचाए हैं जो कि नंबरिंग के हिसाब से, लेकिन आपने 600 रुपये बचा लिए हैं, उसके बाद इसमें 700 रुपये बचा लिए हैं, तो 200 यहाँ पे, 300 में 500 रुपये आपने एक्स्ट्रा सेव कर लिए हैं, तो इसको आप ऐड ना करें। इसी तरीके से कर करके आपके पास 5500, 6000, 8000, 10000 भी हो जाएंगे जब आप इन चैलेंज को फिनिश करेंगे तब। सो कुछ इस तरीके से आप इसको अपने ऊपर को दे सकते हो अपने आप को, और कोई सा भी एक इनवलप आप इसके लिए रख लो कि मैं इसमें इतना पैसा रखने वाला हूं, या फिर इस बाइंडर में, इस इनवलप में इतना पैसा रखने वाला हूं। जैसे कि मेरा ये वाला बाइंडर है, इसमें मैं अपना मंडे मनी सेविंग करके रखती हूं, सो जस्ट अब इसको भी मैं स्टार्ट करूँगी मंडे मनी सेविंग। तो कुछ इस तरीके से है ये मंडे वाला, और इसमें मैं रखूँगी, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसमें अपना कैटेगराइज कर सकते हैं, या फिर नोट डाउन करके रख सकते हैं कि मैं इस वाले बाउंडर में या फिर इस वाले इनोलप में इतना पैसा रख रहा हूँ। सो उसी में आप रखते जाओ, और इन पैसों को रखने के बाद आप भूल जाओ, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं रहेगा। कब खर्च करना, कैसे खर्च करना, इसके बारे में आप मत सोचो। जैसे ही आपका 52 वीक यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, आप डायरेक्टली इन पैसों को उठाओ और बैंक में FD करा दो, डिपॉजिट कर दो, किसी भी स्कीम में डाल दो, SIP में डाल दो, आप कहीं पे भी इसको इन्वेस्ट कर दो, जिससे कि आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट बाद में मिले। सो कुछ इस तरीके से आप इसकी सेविंग कर सकते हो और बचाए गए पैसों को जरूर इन्वेस्ट करें। गाइस जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पर कोशिश की है 5500 से 7000, 8000 रुपये तक सेव करने की। सो आप लोग बचाए गए पैसों को FD में जरूर कन्वर्ट कराएं। जैसे अगर आप 1 साल बाद आपने 6000, 7000 रुपये बचाए हैं, साथ ही 3000 रुपये अपने सैलरी से एक्स्ट्रा डाल करके 10000 रुपये के एक FD करा दें। सो आपको साल भर में सिर्फ 7000 रुपये नहीं बचाने, आपको साल भर में कोई एक मेन टारगेट रखना। जैसे कि मेरा क्या टारगेट है कि 1 साल में 1 लाख रुपीज़ मुझे सेव ही सेव करना है, चाहे मैं जितनी भी कटौती कर लूँ, मुझे 1 लाख रुपये सेव करना है। सो आप लोग भी अपना कोई एक मेन गोल, मेन टारगेट रख सकते हो, कितने दिन में मुझे इतना कमाना है, या फिर इतने दिन में मुझे इतना सेव करना है।
सो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें इन्वेस्ट करते जाओ, उसमें रखते जाओ, और इन पैसों को आप रख करके भूल जाओ कि मुझे ये खर्च नहीं करना। देखो कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आता है, मैसेज आता है कि आप अमाउंट थोड़ा छोटा किया कीजिए। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके लिए अमाउंट थोड़ा बड़ा लग रहा है तो आप इनको टुकड़ों में तोड़ लो। आपका जो भी अमाउंट है, जैसे कि 20 रुपये 25 रुपये है, तो आप उसको सेव करो। जब वो पूरा हो जाए तो एक को आप फिल कर दो या फिर एक को टिक कर दो। सो आप इनको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ करके भी कर सकते हैं। सो हे गाइज, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मनी सेविंग चैलेंज की वीडियो देखते रहने के लिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर सकते हैं जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। हे गाइज, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट हुआ होगा, थोड़ी सी आपको नॉलेज हुई होगी। प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स सर्कल में जरूर शेयर करें। सो मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग न्यू मनी सेविंग चैलेंज डे 9 में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक, थैंक यू सो मच एंड लॉर्ड बी।